तो अक्सर फ्रेंड्स यहाँ पर लोगों को आदत होती है कि जैसे आप लोगों का मोबाइल उनके हाथ में लगेगा, चाहे आपकी फैमिली में से कोई है या आपके फ्रेंड्स में से, तो वो लाजमी आप लोगों के मोबाइल की गैलरी में जाकर देखते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी पिक्चर्स या वीडियो रखी हुई हैं, या व्हाट्सएप में जाकर देखते हैं कि किस किस से आपने कौन सी पिक्चर या वीडियो रिसीव की है। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उन आप सब पिक्चर्स को हाइड कर सकते हैं, वो भी इस ऐप में, ठीक है। किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये ऐप जो है वो टॉर्च का काम करता है। इस ऐप को जिस तरह कि आप टॉर्च को यूज़ करते हैं उसी तरह आपने यूज़ करना है, लेकिन इसमें ये है कि आप कोई भी पिक्चर या वीडियो जो है वो हाइड कर सकते हैं। इस तरह ये है कि किसी को शक भी नहीं होगा अगर आप लोग अपने मोबाइल की गैलरी को लॉक लगा कर रखते हैं, तो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से लोग शक करते हैं कि इसने गैलरी में आखिर क्या रखा हुआ है जिसको इसने लॉक किया हुआ है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को इस ऐप को इंस्टॉल करना है। जिस तरह आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर फर्स्ट लिंक होगा, यहाँ पर आकर इस ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लें। और चलें यहाँ पर मैं इस ऐप को ओपन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी और आप कॉमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि ये ऐप किस तरह से वर्क आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। तो चलें यहाँ पर ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। जिस तरह से आप इसे ओपन करेंगे इस तरह के इंटरफेस है, जिस तरह नॉर्मली आप टॉर्च को यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टॉर्च आपके जो मोबाइल की ऑन हो जाएगी, ठीक है। पर टॉर्च जो है मेरे मोबाइल की ऑन होगी, यहाँ से मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने करना कि फर्स्ट टाइम में ये आप लोगों को बता रहा है, आपने ये टॉर्च जहाँ पर लिखा है वहाँ पर जो है टैप करके रखना है, और यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर दें, और यहाँ पर आप पासवर्ड रख सकते हैं ताकि जब भी आप इस ऐप को ओपन करें तो यहाँ पर आपको वही पासवर्ड देना होगा। चले मैं यहाँ पर 1234 दे देता हूँ, फिर दोबारा एक दफ़ा और वो आपको कहेगा और आपने वही सेम दे देना पासवर्ड। चलिए यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आप कुछ भी हाइड कर सकते हैं, इमेज, वीडियो, ऑडियो, नोट, कुछ भी आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। तो आपने आना पिक्चर में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस का आइकॉन, और यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद उस फोल्डर में आएँ और प्लस पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। चले मैं इस पिक्चर को जो हाइड कर लेता हूँ, पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ पर ऊपर लॉक का आइकन है उस पर क्लिक कर दें, तो पिक्चर आप देखें हमारी जो है हाइड होगी। बैक करके मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखें पिक्चर हमारी जो है वो आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों ने इसे अनहाइड किस तरह से करना है। वापस लेके जाना चाह रहे हैं गैलरी में तो पिक्चर पर टैप करके रखें टू फिंगर्स, और यहाँ पर देख रहे हैं अनलॉक का ऑप्शन आ गया, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर वो पूछेगा उसे अनहाइड पे क्लिक कर दें, और पिक्चर हमारी जो वापस गैलरी में चली गई है। इस तरह से आप कोई भी वीडियो, ऑडियो, पिक्चर कुछ भी आप हाइड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। बैक करके मैं इस ऐप से वापस आ जाता हूँ, और आइकॉन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका आइकॉन देख रहे हैं जिसपे कि टॉर्च बनी हुई है। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इस ऐप में जो है आप कुछ भी जो है हाइड करके रख रहे हैं, ठीक है। किसी को शक भी नहीं होगा कि आपने कोई भी ऐसा लॉकर या कोई भी हाइडर ऐप किया हुआ है जिसमें आपने कोई भी ऐसी पिक्चर या वीडियो रखी हुई हैं। तो ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक मारते जाएं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीज़ें।